Okay, so now in this class we will convert from hexadecimal to decimal. Okay, from hexadecimal to decimal. अच्छा, इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा क्लास, सारी चीज़ों को, hexadecimal to decimal. अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन देखें क्या दिया हुआ है बुक के अंदर. क्वेश्चन हमें दिया हुआ है F8 कन्वर्ट करना है इसको फ्रॉम hexadecimal टू decimal. ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं. F हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है 15 की. ठीक है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन चार्ट में आपको बताया था किस तरह से ड्रा होता है. F इज़ फॉर 15, E इज़ फॉर 14, D इज़ फॉर 13, C इज़ फॉर 12, B इज़ फॉर 11, A इज़ फॉर 10, और बाकी जो इसके अलावा 0 से 9 तक आपके जो डिजिट्स हैं वो सारे सेम होते हैं. ठीक है, हेक्साडेसिमल में बस यही फ़र्क आता है कि 0 से लेकर 9 तक आपके 10 डिजिट्स होंगे एंड एक्स्ट्रा डिजिट आपके पास ये 6 डिजिट्स हैं, जिसमें A इज फॉर 10, फिर B 11, C 12, D 13, E 14 एंड देन F 15. ठीक है, तो F की जगह आप क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे. तो 15 इंटू 16. ठीक है, क्योंकि हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में इस तरफ जा रहे हैं. प्लस करवाओ 8 इंटू 16. ठीक है, पावर्स डालना शुरू करो लेफ्ट हैंड साइड से. 16 पे पावर है 0, 16 पे पावर है 1. ठीक है, 15 इंटू 16 होता है बेटा 240. क्या होता है 240 प्लस 16 की पावर 0 का मतलब है 8 इंटू 1. ओके, 8 वन ज़ा 8 प्लस 240 इज इक्वल्स टू 248. सही है, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से लिखेंगे वो देख लेते हैं. रिप्रेजेंटेशन आप इसकी देंगे F 8 16 बराबर होगा किसके, 248 के इन द बेस सिस्टम ऑफ डेसिमल. ठीक है, तो ये होगा आपके लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन. सही है, एक और नया सवाल कर लेते हैं इसके बाद ताकि हमें अच्छा समझ में आ जाए. अच्छा, कन्वर्ट 5C 68. ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर है 5C 68 विद द बेस, कन्वर्ट करना है हमें इसको 16 बेस से 10 बेस में. किस तरह से कन्वर्ट करेंगे बताओ. देखो 5 एज इट इज़ आएगा इंटू 16. सी किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है बताओ, सी रिप्रेजेंटेशन होती है 12 की. सही है, तो 12 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 16 की ओवर यहाँ से लगानी शुरू करें इसी तरह से जिस तरह हर सवाल में लगाते हैं. यहाँ 1 आएगा, देन यहाँ 2 आएगा, एंड यहाँ 3 आएगा. 16 इंटू 3 की पावर होती है 4096. क्या पावर होती है 4096 प्लस 12 इंटू 16 का स्क्वायर होता है 256. क्या होता है 256 प्लस 6 इंटू 16 होता है 96 प्लस 8 इंटू, क्योंकि और 1 का मतलब होता है 1. ठीक है, ये बराबर होता है 20480 के प्लस 12 इंटू 256 बराबर होता है 3072 के प्लस 96 वैसे इट इज प्लस 8 वैसे इट इज. अच्छा, इसके आगे हमें क्या करना है वो देख लेते हैं ज़रा. ये ऑल से ये सब बराबर होते हैं हमारे पास, इन सब को अगर हम ऐड करेंगे ना तो ये बराबर हो जाएंगे हमारे पास 23656 के. सही है, तो हम सिंपली क्या करेंगे इस जगह के अंदर हम अपने पास एंटर कर देंगे 23656. ठीक है, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं. इस तरह से हम कुछ इसका आंसर लिखेंगे. ठीक है बेटा, उम्मीद है बेटा तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा. ठीक है, ये हम पूरा इसको एज इट इज एरो लगाएंगे और देन ये लिख देंगे. चलो बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़.